हाँ हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैसूर राज्य के बारे में, उत्थान, मैसूर राज्य का उत्थान और पतन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हम बता रहे हैं कि सन 1565 में, अपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, दक्षिण में विजयनगर की जो स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो उसके बाद ये जो है 1565 में जो तालीकोट का युद्ध हुआ था, जिसमें ये जो मतलब बहमनी साम्राज्य के सारे मुस्लिम सुल्तानों और हिंदू राज्य, ये विजयनगर था, उसके दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो उसके बाद जो है वाडियार वंश ने मैसूर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, और इस प्रकार मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का जो विघटन उधर शुरू हो गया। तब अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थी वो केंद्र के यानी मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो गई थी। तो सर्वप्रथम मुहम्मद शाह रंगीले के काल में अवध के सूबेदार सादात खान ने अवध में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। 1722 ईस्वी में स्थापित की थी अवध में, हालांकि वो नाम मात्र का मुगल साम्राज्य, मुगल सम्राट का आधिपत्य स्वीकार करता रहा है ना। इसी तरह से 1724 में दक्षिण के सूबेदार निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। 1727 ईस्वी में पूर्वी भारत के समृद्ध सूबे जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी जो मुगल सम्राट के नियंत्रण से मुक्त होते गए, और शुजाउद्दौला जो है ने वहाँ अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इस तरह से हम देखते हैं कि एक एक बाद एक एक जो है मुगल सम्राट्स के नियंत्रण से मुक्त होते गए और स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते रहे थे राज्य। अब जो हम आगे पढ़ेंगे कि दक्षिण के सुदूर भाग में जो है, दक्षिण के सुदूर भाग में जो मैसूर राज्य एक है, एक छोटा सा राज्य था, और किसी समय में ये विजयनगर साम्राज्य का ही अंग था। तो जब मतलब कहते हैं कि इस विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेणुगोंडा को राजधानी बनाई और 1570 में अरविंदु वंश की स्थापना की थी। उसके बाद रंग द्वितीय और वेंकट तृतीय और इस तरह से राजा होते रहे, और वेंकट तृतीय के शासनकाल में इस राज्य का विघटन शुरू हो गया था, और उस समय मैसूर राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ पर वाड़ियार वंश जो मैसूर राज्य में जो था उसने लंबे समय तक शासन किया था। यहाँ पर जो मैसूर राज्य में वाड़ियार वंश के राजा जो थे वो हिंदू राजा थे, और 1704 में उन्हें औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और संधि के अनुसार एक 1719 की एक संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मराठों को ये मैसूर राज्य जो है चौथ और सरदेसी मुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठों को उसने दिया था, है ना। उसके बाद मैसूर से कर वसूल करने के संबंध में निजाम और मराठे के झगड़े भी आरंभ हो गए थे। अब जो हम पढ़ेंगे कि हैदर अली का उत्कर्ष कैसे हुआ है, तो 18वीं सदी के मध्य में मैसूर में जो है चिंका कृष्णन का शासन था, परंतु वो नाम मात्र का था। शासन की समस्त शक्तियाँ जो है देवराज और नंदराज या जो
जिसको नल के राज भी कहते हैं, दो भाइयों के हाथ में थी और बाद में जो है नंज राज जो था तो सर्वे सर्वा बन गया। इन दोनों मंत्रियों के समय में मैसूर में एक अन्य सैनिक अधिकारी हैदर अली का प्रभाव भी बढ़ गया था। 1761 ईस्वी में उसने सेना की सहायता से शासन की बागडोर उसने मतलब हैदर अली ने खुद ही संभाल ली थी और इस प्रकार हैदर अली मैसूर का सुल्तान बन बैठा और 18वीं सदी में मैसूर राज्य के इतिहास में इसने हैदर अली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदर अली के साथ साथ उसके बेटे टीपू सुल्तान का भी नाम आता है जिसने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे हैदर अली का उत्कर्ष। हैदर अली का जो जन्म है मैसूर राज्य के बुदीकोट करके एक इलाका एक मतलब वो एक स्थान है वहाँ पर 1722 ईस्वी में हुआ था और उसका पिता जो है फतेह मोहम्मद है मैसूर राज्य की सेना में एक सैन्य अधिकारी था। तो जिस समय हैदर अली 6 वर्ष का था तो उसका पिता जो है मारा गया था और बड़ा होने पर हैदर अली को भी मैसूर की सेना में ही नौकरी मिल गई थी। हैदर अली बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसमें क्या है कि युद्ध लड़ने की शैली और कौशल जो है वो उसमें भरा हुआ था, इसलिए उसने के नंजराज जो था जो मैसूर राज्य का सम्राट था शासक था उसने उसको डिंडुगल करके किला था जिसका फौजदार बना लिया और मैसूर का दीवान जो खांडे राव जो है जिसके वो एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था इसने एक राजमाता को सलाह दी थी कि यदि हैदर अली कोई षड्यंत्र करके नंजराज को पराजित कर ले तो हमें ये शासन की बागडोर मिल सकती है। तो इससे क्या हुआ कि राजमाता ने भी हैदर अली को सलाह दी और हैदर अली ने नंज राज को पराजित करके और सत्ता जो है वो राजमाता को नहीं दे करके अपने हाथ में ले ली और इस तरह से उसका जो मंत्री खांडे राव था जो षड्यंत्रकारी दीवान था उसको उसने कैद में डाल दिया। अब क्या है कि डिंडुगल का फौजदार बनने के बाद हैदर अली ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया था। हैदराबाद के निजाम जो है आसफ खां की मृत्यु के बाद नासिर जंग जो हैदराबाद का निजाम बना था 1750 ईस्वी में उसकी किसी ने हत्या कर दी तो उस समय हैदर अली अपने सैनिकों सहित वो जो हैदराबाद में ही था। नासिर जंग की हत्या के बाद जो हैदराबाद में अव्यवस्था कायम हुई और नासिर जंग के विरोधी उनके कोष लेकर के 3/4 के कोष लेकर के भाग गए थे तब ना हैदर अली ने नासिर जंग के विरोधियों को परास्त कर सारा कोष उनसे छीन लिया और वो अपने कब्जे में कर दिया और कहते हैं कि इसके पास देखते देखते में करोड़ों रुपए की धनराशि इसके पास आई किसके पास हैदर अली के पास। अब हैदर अली जो है 1776 में जब मैसूर के राजा की मृत्यु हो गई तब हैदर अली ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और शासन के कार्य जो है वो सारे अपने नाम पर ले लिया नाम पर भी किया लेकिन उसने कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहा और जबकि व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो शासक जो है वो हैदर अली ही था। हैदर अली के उत्कर्ष में समकालीन परिस्थितियां हैं उन्होंने बहुत भारी योगदान दिया था क्योंकि आंग्लो फ्रांसीसी जो संघर्ष हुआ था उसमें कर्नाटक जो है उसकी शक्ति बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में मराठों की कमर टूट चुकी थी। हैदराबाद का निजाम
एक बहुत ही लाचार और बेबस था। तो अतः हैदर अली की अब जो बढ़ती हुई जो शक्ति थी, जो मैसूर में अगर वो शक्ति बढ़ाए भी सही तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये जो उसकी सैनिक योग्यता हैदर अली की थी, वो उसके सहायता से उसकी उसका उत्कर्ष हुआ। तो हैदर अली का जो उत्कर्ष हुआ उसमें उसकी सैनिक योग्यता, राजनीतिक योग्यता और उसके खुद का परिश्रम भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। और दक्षिण में फैली हुई अव्यवस्था भी उसकी उसके उत्कर्ष को बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुई। ठीक है बच्चों, बहुत है इतना, फिर मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी आगे का।